महीने के बाद नौकरी से निकालना नहीं होगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाएंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार का 6 माह के अंदर तमाम शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल का ऐलान। कहते हैं जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले को 7 साल, बनाने वाले को 14 साल कैद की सजा होगी। पीपल्स पार्टी दौर में ऐसे काम हुए बता दूं तो सबको हैरानी हो। करप्शन करने पर नादरा के 16 DG भी बरतरफ कर दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापसी की इजाजत ना मिल सकी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दे दिया, लंदन में क्याम भी बढ़ा दिया, आइंदा हफ्ते मजीद टेस्ट होंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ऑपरेशन का फैसला फैमिली की मुशावरत के बाद करेंगे। के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक, हुकूमत ने हमारे टीओआर कबूल नहीं किए, एतजाज एहसन का मौकफ। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 1 इंच भी बात आगे नहीं बढ़ी। हुकूमती अराकीन का कहना है ऑपोजिशन नए टीओआर लाई जो मुस्तरद कर दिए। पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने का इंडिया दे दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का इजलास, नए मुलाक कहते हैं अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बिलावल भुट्टो के मामले पर पीपल्स पार्टी अरकान को 1 इंच भी पीछे ना हटने की हिदायत। पाकिस्तान को दरपेश तमाम चैलेंजेस और बुराइयों का खात्मा करके दम लेंगे, बाहमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म में कौम के तआवुन से कामयाबी हासिल की, आर्मी चीफ का लाहौर में नेवल वॉर कॉलेज में खिताब। दुश्मन बलोचिस्तान के हालात खराब करना चाहता है, दुश्मन के नापाक अजायम खाक में मिला देंगे, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का क्वेटा में तकरीर से खिताब। ईरान ने गवादर और चाबहार को दोस्त बंदरगाह करार दे दिया, मुल्ला मंसूर ने ईरान का पासपोर्ट और बंदरगाह इस्तेमाल नहीं की, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कराची का अम तबाह करने की साजिश हो रही है, कुछ कुव्वतें दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही हैं, कारकुनों के कत्ल में मुलविस मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंसूबाबंदी कमेटी के इजलास में गिले शिकवे, वजीर आला बलोचिस्तान ने बात करने की इजाजत न मिलने पर बायकॉट कर दिया, एहसन इकबाल मनाकर वापस ले आए। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का भी नाराजगी का इजहार। सदर ओबामा का अमरीकी एटमी हमले से तबाह, शहर हिरोशिमा का दौरा, अमरीकी सदर की आमद पर शहरियों का अमरीका के खिलाफ शदीद एहतजाज, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों की बेहतरी के लिए होना चाहिए, अमरीकी सदर का खिताब। और मोहम्मद हफीज ने बैरून मुल्क इलाज के लिए पीसीबी से इजाजत तलब कर ली, कहते हैं दौरा इंग्लैंड में कौमी टीम की नुमाइंदगी करना चाहता है।